तैयार हो गए? वो आई श्रावणी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रही थी कि वो कल डॉक्टर के पास चली जाएगी। अरे लेकिन ऐसे अचानक क्या हुआ? अरे टेंशन की बात नहीं है ना? नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, बस हल्का सा बुखार है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। दे देवा, वहाँ गोली है, वो बाद में दे देना उसको। मैं भाजी साफ करती हूँ, खाना बनाते समय नहीं तो जल्दी 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 में होता है, क्या करूँ मैं। वाह क्या घर है हमारा, पसारा सगड़ी कड़े पसारा। उठ जाओ, उठो उठो उठो। अरे सब मुझे करना है काम, तो काय त्रास देते थे तुम्हाला, किसी की मदद नहीं कुछ नहीं, खाली गाना गाते बैठो नाटक करो इधर, सब मुझे करने का काम करते करते मैं मर जाती हूँ, किसी की मदद नहीं कुछ नहीं, सिर बोलने के लिए सब लोग हैं। अरे वो तुम्हारी लाडली वो गई अपने मायके सगाई में, मजे मारते होगी। हाँ लेकिन एक है, वो अगर घर में रहती है ना तो मुझे अंदर देखना नहीं पड़ता, एक काम भी नहीं करना पड़ता है। आज मैं काम करते करते मर रही हूँ, किसी की मदद नहीं है, समझा ना? सब रख दिया। सविता क्या है? एक बात पूछनी थी तुझे। मैं बता देती हूँ, वो चंडा लड़की वर्षा की सगाई में बिल्कुल आने वाली नहीं। अरे लेकिन सविता देखो मुझे कुछ सुनना नहीं है, अभी तुम बताने वाले हो उन्होंने हमें इतनी मदद की है, हमको इनका सोचना चाहिए, इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं, ये पूरा लेक्चर मुझे नहीं सुनना। मैं आने वाली नहीं मतलब आने वाली नहीं। अरे मैंने सगाई का जिक्र ही नहीं किया था, बताओ। मैं सिर्फ तुझे पूछ रहा था कि आज मैं थोड़ी सी दारू चपटी पी लूं क्या? तूने बात कहां से कहां ले गई। अरे वाह 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 वाह, आज मुझे पूछकर आप शराब पीने वाले हो, ऐसा मत करो कुछ हो जाएगा मुझे। अरे तू एक बार बोल के तो देख। हाँ, नहीं पीऊंगा मैं दारू। वाह 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 वाह। लेकिन सविता वो तूने जो इंसानियत का जिक्र किया ना वो तुम बात सही बोल रही थी। नहीं कहा ना का अभी के वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और मैं गायब था, तो वो दोनों अपने घर आए और तो वो आके उन्होंने तुझे आसरा दिया सहारा दिया, फिर विनोद ने भी मानव को कितनी मदद की, और अब के बार वो दोनों साखर पूड़ा का निमंत्रण देने खुद आए थे अपने घर यहाँ। मुझे तो लगता है कि हमें जाना चाहिए। ठीक है आऊंगी, मगर 10 मिनट के ऊपर 1 सेकंड भी नहीं खड़ी रहूंगी, समझा? ठीक है ठीक है ठीक है। मानव जरा इस मशीन को बाहर रखने में। बेटे तुम यहाँ हो? मुझे कुछ काम है तुमसे, मेरे साथ आओगे? जी हाँ आओ बेटे आओ। मानव बेटे ये तुम्हारे लिए। अरे बाबा मैं ये सब कैसे? देखो बेटे कल क्या होने वाला है ये न तुम जानते हो न हम जानते हैं, लेकिन आज का सच ये है कि तुम इस घर के बड़े दामाद हो। हाँ, और हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें वो इज्जत वो सम्मान दें। और बेटा हम कुछ अलग नहीं कर रहे, ये तो रीत है जो निभा रहे हैं। अच्छा तोहफा ना सही, हमारा आशीर्वाद समझ कर लो। लो बेटे, और एक रिक्वेस्ट थी मानो जी, रात के फंक्शन में अगर तुम ये कपड़े पहनोगे तो हमें खुशी होगी जी। विनोद ये नया फ्लैट खरीदने के चक्कर में जितने भी पैसे हमने जमा किए थे ना वो सब खर्चा हो गए, मुझे ऐसा लगता है अब हमें पुन्नी के भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। उसकी चिंता मत करो मंजू, पुन्नी की स्टडीज के बारे में क्या करना है ये मैं ऑलरेडी सोच चुका हूँ। मतलब? ये देखो पहना होगी, ऑलरेडी
वर्षु, तो दो मिनट एक जगह पे नहीं बैठ सकती क्या? भाई दो मिनट कहते कहते दो घंटे हो चुके हैं, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बिठा के रखा। अगर मुझे पहले पता होता ना सगाई के वक्त इतना तामझाम करना पड़ता है, मैं आई से कह देती सगाई वगाई छोड़ दो, मैं सीधा शादी कर लेती हूँ। वर्षु ऐसा नहीं कहते, ये चीजें भी तो उतनी जरूरी है ना। और तुझे पता है हर रस्म के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है। जैसे जैसे सगाई की अंगूठी जिस उंगली में पहनाई जाती है ना, उस उंगली की ना सीधा उस इंसान के दिल से जुड़ी होती है। और आज सतीश जी से तेरा रिश्ता दिल से जुड़ने वाला है, समझी? जी। फिर ये सारी चीजें बेवजह कैसे हो सकती है? और एक और बात परशु, आज का दिन लड़की की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होता है। उसका आज उस इंसान के साथ बंधन जुड़ने वाला है जिसके साथ वो अपना पूरा जीवन बिताने वाली है। इसलिए इस पल को अच्छे से जी, देख तुझे कितना मजा आएगा, समझी? ताई, सगाई और शादी में मजा तो आता है, लेकिन शर्त यह है कि सगाई और शादी किसी और की होनी चाहिए, अपनी नहीं। ए वैसे तुझे याद है ना ताई की सगाई में हम लोगों ने कितना मजा किया था? वो याद है जब ताई ने वैशु जब वहां परसा की चूड़ियां रखी वो लेकर आ जाओ। अरे मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया। कल तक तो ये बहती हुई नाक लेकर इधर उधर दौड़ा करती थी और कहती थी दादा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी, पर अपने दादा से छोटी छोटी बातों पर लड़ा करती थी। और आज आज ये इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी होने जा रही है। कमाल है, ये बहने इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती है? लीजिए लीजिए भाई साहब। बाहर मेहमान आना शुरू हो गया, अब बाहर जाइए ना मेरे। हाँ ठीक है, मैं शाम तो भाई। लाइए मैं कर देता। एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता नहीं है यहाँ क्या सोच कर है। तू जा। अर्जु बेटा क्या आशीर्वाद दे दूं तुझे? अखंड सौभाग्य होती बहु तो कह नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा आशीर्वाद देती हूँ। जीती रहो, बहुत सुंदर लग रही हो। और ये सिंदूर, सिंदूर तो तुम पर बहुत खिल रहा है। इस सिंदूर की उम्र 2 महीने से ज्यादा लंबी होती है, बहुत अच्छा होता ना। चलाइए।
साहब आइए, आओ बेटा। मैं कुछ रिश्तेदारों से मिलवाता हूँ। थैंक्स मानो यहाँ पर आने के लिए। यकीन मानो मुझे तुम्हें यहाँ पर देख करके बहुत खुशी हो रही है। माफी मुझे मांगनी चाहिए, मैंने जैसा भी बर्ताव किया तुम्हारे साथ गलत था। नहीं नहीं, वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ, और तुम भी उसे भूलना। मैंने हमेशा से चाहा है कि तुम और अर्चना एक साथ मिलकर के एक खुशहाल जिंदगी बसर करो, और सच मानो आज भी मैं वही उम्मीद करता हूँ। मेरा आने का मूड नहीं था, फिर भी तुम्हारे लिए मैं यहाँ आई हूँ। 10 मिनट के ऊपर मैं रुकने वाली नहीं। ठीक है, हम सिर्फ मिलेंगे, बात करेंगे और निकल जाएंगे। हाँ, मुझे लगा ये तुम्हारा नाटक शुरू होने वाला है। ठीक है सविता, अंदर तो चल। देखो तुमको जो करना है वो करो, मेरा अगर जी उब गया ना तो मैं सीधा उतर के घर निकल जाऊंगी। ठीक है ठीक है, चलेगा? चल 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 चल, चल, चल। सविता जी, नमस्ते। सविता जी, दामोदर जी, नमस्ते। हमारी बिनती को मान देकर आप हमारी वर्षा की सगाई में, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आइए ना, आइए सविता जी। तो मैं तुझे यहाँ ले आता, लेकिन कुछ भी बोल सविता, मानव और अर्चना हमेशा सुख दुख में एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। क्या रे मानव, तुझे आज गैरेज में बहुत सारा काम था ना? हाँ, आई से झूठ बोल के आई को चूना लगा के यहाँ हमाली करने आया है तू? श्रावणी वहाँ अकेली है और तू यहाँ मजे मार रहा है? नहीं मैंने हाँ। Thank you.
रही हूँ मैं तुझसे। और तू बता, तेरा बैंकॉक का टूर कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आदि तू संग दाई, तू बशीर। कैसी दिख रही हूँ तुझे? अच्छी ना? ये वही आदमी है ना जिसने हमारे मानव को नालायक कमीना सुबचना ताई ने इसको इधर बुलाया है, तो हमें क्यों बुलाया? मुझे लगता है हमें चिढ़ाने के लिए बुलाया होगा। देखिए मैं इसकी कैसे खबर लेती हूँ। सविता रुक, बात को पहले ठीक से समझ ले, बिना सोचे समझे कुछ बोलना गलत होगा। आई बहने की आई तक तो ठीक था, लेकिन इसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? माफ करना ताई, ना मैं खुद यहाँ आना चाहती थी, ना अजीत को भी लेकर आना चाहती थी, लेकिन क्या करे, भावना ताई ने इतना जोर डाला कि मैं ना नहीं कर सकी। और वैसे आप तो जानती है ना, अजीत सतीश के बचपन का दोस्त है और ताई तो उसे बेटे जैसा प्यार करती है, इसलिए उनका कहना हम टाल नहीं सके। अभिनंदन सतीश, सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। काकी देखा आपने, मैंने आपकी बात का मान रख लिया, आपने बुलाया मैं चला आया। मुझे मालूम था बेटा तुम जरूर आओगे। बचपन से जानती हूँ ना तुम्हें, आज तक कभी मेरी बात टाली है जो अब टालोगे? इसको यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम तो जानती हो ना किसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तुम शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो ना सतीश, तुम्हारी शादी में किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना, इस बात को तय करने का हक अब भी मेरे पास है। बेटी की सगाई मुबारक हो सुलोचना काकी, और आपको भी मन और पंत। हाँ विनोद, कैसे? आओ जीत बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। ये सच है कि उस मानव को मैंने फंसाया, ये भी सच है कि उससे पहले उस अर्चना को मैंने उस बदनाम गली में भेजा था, उस बदनाम बंगले में भेजा था। ये मेरी चाल थी। Thank you.